महकमा दाखिला ने पंजाब में रेंजर्स की तैनाती में 2 माह की तौसी कर दी है। महकमा दाखिला पंजाब ने मुतल्लिका हुकाम को आगाह कर दिया है। आपको अपडेट कर, अमन अमान के क्याम के लिए तैनाती में तौसी की गई है। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है, नेशनल एक्शन प्लान में तेजी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने मुतल्लिका हुकाम को भी इस हवाले से आगाह कर दिया है। महकमा दाखिला ने पंजाब में रेंजर्स की तैनाती में 2 माह की तौसी कर दी है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा फारूक बोदला से। जी फारूक, बताइएगा, रेंजर्स की तैनाती में 2 माह की तौसी कर दी गई है। जी बिल्कुल ज़ैनब, नेशनल एक्शन प्लान में तेजी से इकदाम किए जा रहे हैं और ज़राए के मुताबिक ये कहना है कि पंजाब भर में अमन अमान के हवाले से पंजाब हुकूमत के महकमा खजाना की जानिब से इकदाम किए गए हैं कि पंजाब भर में रेंजर्स की तैनाती में 2 माह की तौसी का फैसला किया गया है और इस हवाले से अमन अमान के क्याम के लिए जरूरी इकदाम उठाते हुए तैनाती में दोबारा तौसी की गई है। इस हवाले से महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से मुतलका हुकाम को आगाह कर दिया गया है कि रेंजर्स की तैनाती में 2 माह की तौसी की गई है। वो सरकारी इमलाक की हिफाजत करेंगे, गश्त करेंगे, गश्त को मौसर बनाएंगे और तकरीब पार अनासर की बेहतरी के लिए तमाम तर जो है अपनी जो आप मुतहरक रहेंगे और इस हवाले से तमाम तर जरूरी इकदाम जो क़यामे अमन के लिए जरूरी होते हैं वो करेंगे। इस हवाले से रेंजर्स हुकाम को भी मुतला किया गया है, तमाम दीगर इदारों को मुतला किया गया है कि लाहौर में पंजाब भर में रेंजर्स की तैनाती में 2 माह की तौसी की गई है ताकि क़यामे अमन के लिए कोशिशों को महमीज लगाई जाए और इसके साथ साथ क़यामे अमन के लिए तमाम दर्ज इकदाम हैं उनको मौसर बनाया जाए। नेशनल एक्शन प्लान में तेजी से इकदाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फारूक बोदला, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।